क्या आपने ऑटो रिक्शा में सीट बेल्ट देखा है? क्या आपने आज तक ऑटो चालक को सीट बेल्ट लगाए देखा है? खैर, आपने देखा हो या नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। आजकल हमारे देश के अंदर खौफ का दूसरा नाम 1 सितंबर से लागू संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसके बाद अब इसे भारी भरकम फाइन का डर कहें या लोगों के अंदर जागरूकता, लेकिन जब से ये नियम लागू हुआ है तब से लोग ट्रैफिक नियम को लेकर के जागरूक दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक ड्राइवर पर सीट बेल्ट लगाए बिना ऑटो चलाने के जुर्म में 1,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है, जबकि ऑटो में कोई सीट बेल्ट नहीं होता है। बता दें कि घटना मुजफ्फरपुर की है। यहां पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को सराय इलाके में एक ऑटो ड्राइवर से 1,000 जुर्माना लिया गया है, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। सराय के थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑटो चालक से न्यूनतम चालान भरने के लिए कहा गया, क्योंकि वो काफी गरीब व्यक्ति था, इसलिए उसे 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ा। इसके साथ थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए कम से कम एक चालान भरने को कहा गया। ये गलती थी, लेकिन ये सिर्फ ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए ही किया गया था। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से पूरे देश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। नए ट्रैफिक नियमों से हड़कंप। वहीं अगर बात करें पटना की, तो यहां पर ट्रैफिक नियम उल्लंघन का खौफ ऐसा है कि बीते रात बेली रोड म्यूजियम के समीप एक व्यक्ति साइकिल पर हेलमेट लगाकर सड़कों पर घूम रहा था, जिसका वीडियो हमारे कैमरे में कैद हो गया। खैर, नए ट्रैफिक नियम आने के बाद हाल की घटनाओं को देखने के बाद ये लगता है कि जनता इस नियम के नीचे दब चुकी है और उसके अंदर पुलिस और भारी भरकम चालान का डर सपनों में भी सता रहा है। इसी बीच एक और घटना उड़ीसा से आई है, जहां पर संबलपुर में ट्रैफिक नियमों का 7 बार उल्लंघन करने पर नागालैंड में रजिस्टर्ड एक ट्रक पर 6,53,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले सबसे महंगा चालान 2,05,000 रुपये का नई दिल्ली में काटा गया था। 6,53,000 रुपये वाले चालान में ट्रक मालिक पर ओडिशा मोटर व्हीकल एक्ट कराधान OMVT अधिनियम के तहत 21 जुलाई 2014 से 30 सितंबर 2019 तक 5 साल तक रोड टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 6,40,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से जुर्माने की कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। हम भी जनता से अपील करते हैं कि उन्होंने नए कानून का पालन करें और भारी भरकम चालान से बचे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।